हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर फाइन। बच्चों आज हम हमारा देश इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों आपको पता है हमारा देश कौन सा है? बच्चों बोलिए हमारा देश कौन सा है? बच्चों हमारा देश है भारत। क्या है हमारा देश? हमारा देश का नाम है भारत। इस पाठ में किस धर्म के लोग रहते हैं और भारत देश में किस प्रांत में किस लोगों ने किस भाषा बोली जाती है वो हम इस पाठ में जानेंगे और पढ़ेंगे। अब मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, आप अपना पुस्तक निकालिए और पुस्तक का नंबर है 6। बच्चों पुस्तक का नंबर कितना है? पुस्तक का नंबर है 6। पाठ 2 हमारा देश। हमारा देश का नाम भारत है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। भारत एक विशाल देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है। हमारे देश में कई धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारतवासी देशभक्त और वीर है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, राम, कृष्णा, गांधी जी और गौतम बौद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है। शिक्षा और कलाओं ने पहले इस देश में जन्म लिया है। हमारे देश में किस धर्म के लोग रहते हैं? कौन महापुरुषों ने इस भारत में जन्म लिया है? किस प्रांत में किस भाषा को लोग भाषा बोली जाती है वो हम इस पाठ में देखेंगे। बच्चों इस पाठ का सारांश है कि हमारा देश का नाम भारत है। हमारा देश का नाम क्या है बच्चों? हमारा देश का नाम है भारत। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। भारत क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि राजा का नाम था भरत। इसके नाम से हम भारत को भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। किसके नाम पर? भरत के राजा के नाम से भारत को कहा जाता है। भारत एक विशाल देश है। विशाल का मतलब है लार्ज, बड़ा। हमारा भारत देश एक बड़ा देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत देश की राजधानी कौन सी है बच्चों? भारत राज्य की राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। हमारे देश में कई धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कि अपनी कक्षा या बाहर आप जाते हैं तो आप किस धर्म के लोग देखते हैं? हम देखते हैं कि ईसाई, सिख, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू जैसे हम लोग को धर्म के लोग देख सकते हैं। सब प्रांतों की अलग अलग भाषा है। आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में प्रांत में रहने वाले उनकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रांत भाषा, प्रांत में कौन कौन से बात कर सकते हैं? बिहार में हिंदी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बात करते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ा बात करते हैं, केरला मलयालम, तमिलनाडु तेलुगु। ऐसा प्रांत में कई लोग अपने धर्म के जैसे कि अपना भाषा बोलते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते जाते हैं। बच्चों आपको पता है ना तीर्थ स्थल का मतलब है? तीर्थ स्थल कौन कौन से लोग कहाँ जाते हैं? तीर्थ स्थल का गांव है केदारनाथ, गंगोत्री, अमरनाथ, कनखल। ये सब क्या है बच्चों? ये सब तीर्थ स्थल है। यहाँ इस जगह को देख
देखने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग चारों दिशाओं से नॉर्थ वेस्ट उत्तर साइड सब लोग क्या करते हैं, यहाँ इस जगह को देखने के लिए आते हैं और जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। उत्तर की दिशा में क्या है बच्चों, उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत है। भारतवासी देशभक्त और वीर है। हमारे भारत देश में क्या देख सकते हैं, हमारे भारत देश में देशभक्त हमारे देश के लिए सैनिक लोगों ने क्या किया है, जीवदान या प्राण दान किया है, उन लोगों को हम इस पाठ में देख सकते हैं। अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है हमारे भारत देश में, महापुरुषों ने ग्रेट पर्सन उन लोगों ने क्या किया है भारत देश में जन्म लिया है, उनका नाम है राम कृष्ण गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है। कौन कौन बच्चों हमारे भारत देश में जन्म लिया है, रामा कृष्ण गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे क्या हुए हैं जन्म, कहाँ जन्म हुए, भारत देश में जन्म हुए हैं। शिक्षा और कलाओं ने पहले इस देश में जन्म लिया है। पहले भारत देश में क्या प्रारंभ हुआ, हमारे भारत देश में शिक्षा और कला, कला का मतलब है चित्रकला, ये सब हमारे भारत देश में क्या हुआ प्रारंभ हुआ। बच्चों आपको इस पाठ में समझ आ गया, तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि प्रांत में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं। बिहार में हिंदी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तेलुगु बात करते हैं। और हमारे भारत देश के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं, तीर्थ स्थल का नाम है केदारनाथ, गंगोत्री, अमरनाथ, कनगर, ये सब हमारे तीर्थ स्थल है। हमारे भारत देश में रहने वाले धर्म के लोग कौन कौन से हैं, ईसाई, सिख, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, ये सब हमारे देश में रहने वाले धर्म के लोग रहते हैं। बच्चों आपको इस पाठ में समझ में आ गया, आपको किस पाठ में समझ आ गया होगा, अगले कक्षा में मैं दूसरा पाठ को पढ़ूंगी और जानूंगी। धन्यवाद।